हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में जो आज से स्टार्ट हुआ है, जो एक मेन बोर्ड कैटेगरी का आईपीओ है जो नॉर्मली 15,000 की रेंज में स्टार्ट होते हैं। और उसमें अब क्या जीएमपी वगैरह क्या चल रही है, सब्सक्रिप्शन वगैरह क्या चल रहा है, वो भरना चाहिए कि भरना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो शुरू होने के देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कंपनी का नाम वो है जेजी केमिकल्स का, ठीक है। तो केमिकल सेक्टर का आईपीओ नाम से पता पड़ रहा है, पर केमिकल में भी अलग अलग तरह की वैरायटी होती है, तो सब उसमें भी चीजें, कुछ एग्रोकेमिकल होते हैं, कुछ दूसरे केमिकल होते हैं, सब चीजें अलग अलग है। तो आईपीओ के बारे में देखते हैं, ज्यादा बड़ा साइज का आईपीओ 250 करोड़ का आईपीओ, बहुत नॉर्मल साइज का आईपीओ, मतलब एसएमए, ठीक है। इसका आगे डिटेल्स देखें हम, यहाँ पे 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 7 तारीख तक चलेगा यहाँ पे, अभी तो मतलब 2 दिन का टाइम है, 6 और 7 का। तो जहां तक प्रीफर करें लास्ट डेट को ही फिल करें, अगर जीएमपी वगैरह में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है तो वो चीजों को एक बार क्लियरिटी हो जाती है। और जीएमपी काफी अच्छी अगर चल रही है तो हम देखेंगे, तो सेकंड डे थर्ड डे भी बढ़ सकते हैं, कभी भी बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक लोट में यहाँ पे 67 शेयर्स यहाँ पे रखे गए, और जो प्राइस बिंड रखा गया वो है 210 रुपए से लेकर 221 रुपए का। तो आपको देखो अलॉटमेंट चाहिए और ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो 221 की रेंज में ही भरना है यहाँ पे। अगर आप 210 की रेंज में भरते हैं और ओवर सब्सक्राइब हो चुका है आईपीओ, तो मिलने के चांस ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं वहाँ पे ऐसी कैटेगरी में। तो जो हाईएस्ट बिड प्राइस है उसी पे लगाना वहाँ पे, तभी मिलने के चांसेस ऐसी कैटेगरी में होंगे। यहाँ पे आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी वो है 13 मार्च को यहाँ पे, तो 7 तारीख को इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद 3 वर्किंग डेट के जो भी आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे 13 मार्च को आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए, तो आगे इसमें स्प्लिट वगैरह होने के चांसेस हैं यहाँ पे, मतलब वो ऑप्शन रहेंगे ऐसे में। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू पे आईपीओ आ रहा है, और जो पूरा आईपीओ का साइज है यहाँ पे वो है 251 करोड़ का अप्रोक्स का यहाँ पे, जिसमें ओएफएस है यहाँ पे अप्रोक्स 86 करोड़ का, उसके बाद फ्रेश इशू है यहाँ पे 165 करोड़ का। ओएफएस में तो जो ये अमाउंट है जो प्रमोटर के पास जाता है, प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं, और ये वाला जो अमाउंट है फ्रेश इशू का कंपनी अपना विदिस एक्सपेंड करने में लगाती है वहाँ पे, तो वो वाला फंड वहाँ जाता है। दोनों मिक्स वाला है, मतलब इसमें ओएफएस भी फ्रेश इशू भी, दोनों पार्ट इसमें यहाँ पे। अब हम देखते हैं एक लोट लगाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए 14,807 रुपए। अभी क्या हो रहा है ना, एक ही टाइम पे मतलब मल्टीपल अभी आईपीओ आ रहे हैं, मतलब छोटे वाले भी आ रहे हैं एसएमई कैटेगरी के, और ये वाले मेन बोर्ड भी आ रहे हैं, तो दोनों आ रहे हैं आईपीओ। जिसमें ज्यादा बेटर, अगर फंड कम है लिमिटेशन से फंड की, तो उसमें फिर हिसाब से जो बेटर लगे जीएमपी वाइज उस पर प्रीफर करना वहाँ पे एसएमए यहाँ पे, तो वो चीज़ें देख लेना यहाँ पे एक बार साथ में, जीएमपी किसकी ज्यादा अच्छी चल रही है उसको प्रीफर करना भरने के लिए। इसकी जो जीएमपी चल रही है वो है 22 से 23% का चल रहा है, तो मेन बोर्ड जो कैटेगरी का आईपीओ उसके हिसाब से मतलब सही है, मतलब 20-25-30% नॉर्मली इतना होता है, कई में यहाँ पे अभी 50 से ऊपर निकल जाती है, बाकी नॉर्मली जो इसमें 20-30% के एवरेज में भी यहाँ पे भरने के लिए प्लान कर सकते हैं। देखो डिपेंड करता है ना, जहाँ 15,000 रुपये की रिस्क ले रहे हो वहाँ पे आप 20-22% के लिए प्लान कर सकते हो, जहाँ पे लेकिन आप 1.25-1.5 लाख का एक आईपीओ लगा रहे हो वहाँ अगर 20-22% की रिस्क दिख रही है वहाँ पे कि उसके लिए रिस्क ले रहे हो, तो फिर थोड़ा सा अमाउंट का फर्क पड़ जाएगा। बाय चांस कुछ भी मार्केट में नेगेटिव हुआ और आईपीओ फ्लैट खुल गया, नेगेटिव खुल गया बड़ा आईपीओ जैसे ये भी कुछ भी चीज, तो आपका फिर अमाउंट का रिस्क भी उतना ही ज्यादा हो जाता है इस कंडीशन में। तो वो चीजें पहले देख के करें, अगर 15,000 वाला है तो 20-22% के ऊपर में भी एक बार आपको प्लान कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा बिजनेस उसका सही लग रहा है और फंडामेंटल सही लग रहा है तो यहाँ के हिसाब से इसमें प्लान कर सकते हैं। कंडीशन देख के इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव यहाँ पे 22-25% की रेंज में। तो और आगे फंडामेंटल्स अगर देख लेंगे, अभी कंपनी वगैरह का जो काम है वो तो है ही, केमिकल इंडस्ट्री का काम है सारा, और इसका फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव वगैरह तो सब कुछ चीजें हैं, एक्सपेंड करना काम को सब चीजें इसमें यहाँ पे ऐसा। अब इसका फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन डेटा देख लेते हैं, रिटेल कैटेगरी रखा गया 50%, मतलब इससे 100 होंगे शेयर तो 50 रिटेल कैटेगरी रखे गए, बाकी एनआईए के लिए कुछ पार्ट है, बाकी क्यूआईबी के लिए। तो ऑलमोस्ट देखो ये दोनों तो फुल हो ही चुके हैं, इसमें अभी कुछ इंटरेस्ट आया नहीं क्यूआईबी का, तो नॉर्मली सेकंड डे या थर्ड डे में फाइनली फिल करते हैं, थर्ड डे को ही प्रीफर करते हैं ताकि फंड ब्लॉक ना हो जाए इसमें, क्योंकि फर्स्ट डे फिल कर देंगे तो 4 दिन तक पैसा अटका रहेगा उसमें से। तो वहाँ पे थर्ड डे पे देखेंगे कि इसका क्या रहता डेटा, बाकी रिटेल कैटेगरी ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है यहाँ पे ऐसे में। और अब इनके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, फंडामेंटल्स के सामने देखें यहाँ पे तो कंपनी का प्रॉफिटेबल सही है यहाँ पे, से कोई दिक्कत नहीं लगती। 2021-22-23 3 साल का डेटा दे रखा है यहाँ पे से में। इसमें एसेट्स वगैरह में इंप्रूवमेंट चल रहा है, बाकी अगर फंडामेंटल्स वाइज देखा जाए जीएमपी करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से कंडीशन यहाँ पे ओके है, भर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बार फाइनेंशियल अपने फाइनल डिसीजन लेने से पहले अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइस एक बार डिस्कस करना, उसके बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन लेना है यहाँ पे। जो मेरा ओपिनियन था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया यहाँ पे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।